हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है आवर लेडी जेगलर बाय एनाटोल फ्रांस। वेल, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑन आवर लेडी जेगलर। सो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं आवर लेडी जेगलर से तो आपको एज इट इज को लिख के आ जाने हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और राइट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो चलिए टॉपिक पाता हूँ। Our Lady Juggler is a short story by Anatole France. It is also known as the Juggler of Notre Dame. Anatole France was a French poet, journalist, and novelist who won the Nobel Prize in Literature in 1921. Some of his notable works include The Crime of Sylvester Bonnard, Thais, Penguin Island, The Gods Are Athirst, The Revolt of the Angels. All right. यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में है। और जगलर आपको समझ में आता है, जगलिंग किसको बोलते हैं, मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ, इस तरह के एक्टिविटीज़ को हम लोग जगलिंग बोलते हैं। ऑलराइट, सो एक बंदा होता है जिसका नाम बर्नाबास होता है। वो ज़्यादा जो है किसी चीज़ में टैलेंट नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ में वो बहुत ही टैलेंट होता है, वो जगलिंग में। ऑलराइट, वो जगलिंग में लोगों को इंटरटेनमेंट करके कुछ पैसा कमाता है, उससे वो अपना जीवन यापन करता है, उसका खुद का घर नहीं होता है, गरीब होता है। ऑलराइट, लेकिन विंटर के समय में जो है वो बहुत कठिनाई फेस करता है, उसे रहने का जगह भी नहीं है, कैसे रहेगा वो ये सोचता है। ऑलराइट, लेकिन बंदा जो होता है बहुत ही दयालु होता है बर्नाबास, और पूरी तरह से जो है समर्पित होता है वर्जिन मैरी, ये गॉड होती है, मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, मदर ऑफ गॉड होती है, मदर ऑफ जीसस। ओके, तो ये श्रद्धा रूप से जो है बहुत मानता है, इनका जो है पूजा करता है। ओके, अपना भक्ति प्रकट करता है। राइट, तो जैसे हम लोग का होता है ना कि शंकर जी हो गए, भगवान जी हो गए, गणेश जी हो गए, तो हम लोग अपना श्रद्धा प्रकट करने के लिए फूल चढ़ाते हैं, जो जो होता है समर्थ के अनुसार से, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है। ऑलराइट, बस मन साफ होना चाहिए तो पूजा जो है वो स्वीकार कर ले जाती है। ऑलराइट, सीकिंग सेंचुरी, वन विंटर फीलिंग लॉस्ट एंड डिस्करेज्ड, बर्नाबास इनकाउंटर अ मॉन्क। द मॉन्क पर्सुएटेड हिम टू ज्वाइन अ मोनेस्ट्री, प्रोमिसिंग पीस एंड सिक्योरिटी। एक्साइटेड बाय द प्रोस्पेक्ट, बर्नाबास एग्रीड, होपिंग टू फाइंड सोलेज एंड पर्पस विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। ऑलराइट, तो वो बर्नाबास जो है बहुत ही दुविधा में होता है कि हम कहाँ रहेंगे, ठंड ठंड कैसे गुजारे जाएंगे। ऑलराइट, बहुत वो परेशान रहता है। तो अचानक जो है एक हताश परेशान बर्नाबास जो है अचानक एक मॉन्ग से मिलता है। मॉन्ग जो है सजेस्ट करता है कि मठ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर तुम्हें शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है दोनों मिलेगी। और इस उद्देश्य से जो है बर्नाबास एग्री हो जाता है, और ये उम्मीद करता है कि वहाँ जो है शांति सुरक्षा जो है वहाँ मिलेगी। ऑलराइट, इस कम्युनिटी में ज्वाइन करके। फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, हाउएवर अपॉन एंटरिंग द मोनास्ट्री, बर्नाबास फेल्ट ओवरवेलम्ड एंड इनएडिक्वेट। द अदर मॉन्क वर स्कॉलर, स्क्राइब्स एंड आर्टिशियन, ईच ऑफरिंग दे आर टैलेंट इन सर्विस ऑफ गॉड। बर्नाबास, यहाँ बर्नाबास कर लेना है। ऑलराइट, बर्नाबास विथ हीज सिंपल जगलिंग स्किल्स फेल्ट ही हैड नथिंग वर्दी टू कंट्रीब्यूट। हालांकि जब वो मठ इंटर करता है तो बर्नाबास बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब देखता है मॉन्क को कि बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई किताबें लिख रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, तो उसे ऐसा फील होता है, इन्फीरियर सा फील होता है कि हम बेकार हैं, सब कोई जो है भगवान को जो है एक अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को तो कुछ आता नहीं है, ये लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं। ऑलराइट, सब लोग जो है श्रद्धा से जो है अपने अपने जो भी टैलेंट है वो सर्विस कर रहे हैं, भगवान को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, ईच ऑफरिंग देयर टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। ऑलराइट, तो ये खुद को इन्फीरियर समझता है कि मेरे पास कुछ ऐसा खासियत नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कुछ आता नहीं है,
ठीक है, तो मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँगा। ऑलराइट, इस तरह का जो है मन में जो है दुविधाएं क्रिएट होती हैं बर्नाबास के अंदर। अ यूनिक ऑफरिंग, वन नाइट फिल्ड विद डिस्पेयर, बर्नाबास वंडरिंग इन टू मोनास्ट्री क्रिप्ट, देयर बाथ इन मूनलाइट स्टूड अ ब्यूटिफुल स्टैचू ऑफ द वर्जिन मैरी, फीलिंग अ सर्ज ऑफ डिमोशन, बर्नाबास डिड द ओनली थिंग्स ही न्यू हाउ टू डू, ही बिगेन टू जगल, ही टोस्ट एंड ट्विल्ड हिज बॉल एंड नाइव्स, डांसिंग एंड सिंगिंग हाइम्स, ऑफरिंग हिज हम्बल परफॉर्मेंस टू द वर्जिन। तो एक रात क्या होती है, बहुत ही डिस्पेयर था वो, बहुत ही निराश था, बर्नाबास इधर उधर मठ में घूम रहा था। ऑलराइट, तो वो अचानक देखता है कि मून सूर्य इसकी चंद्रमा की जो रोशनी है एक स्टैचू पर पड़ रही है, जो स्टैचू था वो वर्जिन मैरी का था। तो अपना श्रद्धा को प्रकट करने के लिए वो क्या करता है, वो जगल करने लगता है, जगल करके जो है इधर टोस्ट करके घुमा के। आपको मैंने आपको फोटो दिखाया था, पिक दिखाई थी, तो उस तरह का वो एक्टिविटी करके, वो धार्मिक वाला गाना गा करके जो है अपने परफॉर्मेंस को वो सामने जो है प्रकट करता है वर्जिन मैरी के सामने। ऑलराइट, ऑफर करता है, अ विटनेस टू वंडर। अब यहाँ अनबिनोन्स टू बर्नाबास सम ऑफ मॉन्क्स हैड फॉलोड हिम क्यूरियस अबाउट हिज फ्रिक्वेंट डिसअपियर, दे वर शॉक एंड एंगर टू सी हिम जगलिंग इन द क्रिप्ट, कंसिडरिंग इट डिसरेस्पेक्टफुल एंड सैक्रिलीजियस। जस्ट एज दे वर अबाउट टू कन्फ्रंट हिम, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपन। तो बर्नाबास को पता नहीं होता है, जब वो मठ के इधर उधर घूम रहा होता है तो अचानक वो बर्नाबास देखता है कि एक मून लाइट जो है एक स्टैचू पर पड़ रही है। तो वो जब देखता कि वर्जिन मैरी है, तो उसे कुछ आता नहीं था, लेकिन वो केवल उनके सामने जो है, मदर ऑफ गॉड के सामने जो है वो जगल करने लगता है। ठीक है, इसको पता नहीं होता कि कुछ जो है मॉन्क्स उसके पीछा कर रहे हैं, कि बर्नाबास जो है अचानक से गायब कहाँ हो जाता है, इधर उधर घूमता है और फिर कहाँ से गायब हो जाता है। तो मॉन्क जो है वो डिसाइड करते हैं कि बर्नाबास के पीछे लगना चाहिए। तो बर्नाबास के पीछे वो लगता है, तो वो देख कर ये शौक हो जाता है कि ये तो वर्जिन मैरी के सामने तो जगल कर रहा है, ये तो अपमान वाली बात हो गई, अब चलो इसको हम सबक सिखाते हैं, क्योंकि दोनों गुस्सा हो गए थे। ओके, मॉन्क्स जो है गुस्सा हो गए थे कि अब इसको जो है वन से सबक सिखाया जाए। तो मॉन्क्स अचानक देखते हैं, जब वो सामने आते हैं बर्नाबास के सामने, लेकिन उससे पहले जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घट जाता है। वो क्या है, डिवाइन इंटरवेंशन। एज बर्नाबास एग्जॉस्टेड फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस कोलैप्स एट द फुट ऑफ द स्टैचू, द वर्जिन मैरी केम अलाइव ग्लोइंग विद सेलेस्टियल लाइट, सी डिसेंडेड फ्रॉम हर नीचे क्रैडल बर्नाबास इन हर आर्म्स, सी वाइप्ड द स्वेट फ्रॉम हिज ब्रो, द मॉन्क्स आउटस्ट्रक एंड फिल्ड विद न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग विटनेस्ड दिस मिराकुलस एक्ट। जब बर्नाबास जो है इतना जगल जो कर लिया, तो वो बहुत ही थक हार जाता है। ओके, वो गिर जाता है नीचे, वर्न स्टैचू के नीचे जो है गिर जाता है। तभी जो है वर्जिन मैरी जो है वो जो स्टैचू है वो जिंदा हो जाता है। ऑलराइट, जिंदा हो जाता है और उसके सामने जो है प्रकट होती है वर्जिन मैरी। वर्जिन मैरी वो नीचे उतरती है, बर्नाबास को अपने बाहों में भरती है, उसके पसीनों को बाहों से जो है वो पोंछती है। ओके, तो ये मॉन्क्स देखकर जो है अस्त्रचिकित्सा से वो भर जाते हैं। ओके, एक्सेप्ट एंड रिकॉग्निशन न्यू ऑफ द मिराकुलस, न्यूज ऑफ द मिराकल स्प्रेड थ्रू आउट द मोनास्ट्री। बर्नाबास वंस कंसिडर्ड एन आउटसाइडर वॉज नाउ हेल्ड एज अ सैनिटी फिगर, ही सिंपल जगलिंग ऑफर्ड विथ प्योर डिवोशन, ही डिवोशन हैड टच द हार्ट ऑफ द वर्जिन मैरी हरसेल्फ, ही वॉज फाइनली एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएट फॉर हिज यूनिक गिफ्ट, अ रिमाइंडर दैट इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी एक्ट डन विथ लव एंड फेथ कैन होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू। तो ये मिराकल जो है, जो घटना घटा, पूरे मठ में फैल गया। अब बर्नाबास जो
आउटसाइडर जाना जाता था, कि ये बाहरी है, अब लोग इसे पहचानने लगे, लोग अब इसे पहचानने लगे। ओके, एक सिंपल जगल से अगर पूरे पूरे अगर सच्चे मन से श्रद्धा से अगर कोई भी चीज़ किया जाए तो वो सफल हो जाता है। तो जगलिंग जो बन्नाबास होता है वो सिंपल तरीके से अपने मन मन से वो साफ था, और वो जब जगल किया वर्जिन मैरी के सामने, वर्जिन मैरी जो है उनके परफॉर्मेंस को, उनके ऑफर को वो स्वीकार करती है। ओके, तो एक छोटा सा सिंपल भी अगर एक्ट अच्छे से अगर प्यार प्यार से और विश्वास से किया जाएगा तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैन होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू। ठीक है, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें सच्चे मन से हमें करने हैं। चाहे वो पूजा कर रहे हैं तो हमें सच्चे मन से करने हैं, वो दूध चढ़ा रहा है, वो पानी चढ़ा रहा है, वो नहीं देखना है हमें। अगर मैं सच्चे मन से अगर पानी भी चढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा दिल साफ है तो भगवान जरूर हमारे ऑफर को स्वीकार करेंगे। ऑल राइट, सो कुछ इमेजेस आपको दिखा दे रहा हूँ। आई होप ये नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस नोट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।